इंडस्ट्री के दो सुपरहिट कलाकार जी है दोस्तों, एक तरफ अक्षय कुमार जिसे खिलाड़ी कुमार कहा जाता है और एक तरफ है आमिर खान जिन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। दोनों की ये फिल्में 11 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है। अक्षय कुमार जहां रक्षाबंधन में नजर आने वाले हैं तो वहीं आमिर खान लाल सिंह चड्ढा में आपको दिखाई देने वाले हैं। बता दें कि दोनों ही फिल्मों का जोनर बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी इन दोनों ही फिल्मों को बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है। जहां आमिर खान के पुराने ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं तो वहीं अब अक्षय कुमार के पुराने ट्वीट्स भी सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं। इन दोनों ही कलाकारों को अब सोशल मीडिया यूजर्स एंटी हिंदू बताने लगे। खबरें हैं कि आमिर खान ने जो है बीते दिनों अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरी और उन्होंने कहा कि उन्हें भारत में सेफ फील नहीं होता या फिर वो CAA और मुस्लिम्स के खिलाफ कई बार अपनी आवाज उठाते आए हैं, इसी वजह से आमिर खान को एंटी हिंदू बताया जा रहा है। और वहीं अक्षय कुमार की अगर हम बात करें तो बीते दिनों एक इंटरव्यू के दौरान अक्षय कुमार ने कहा था कि आखिर मंदिर क्या है। मंदिर वो है जो अपने मन के अंदर होता है, इसलिए मंदिर की जरूरत नहीं है, जो आपके मन के अंदर है वही मंदिर है। इस बात से लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और उन्हें काफी बुरा भी लगा था, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची थी, जिसके बाद से ही अक्षय कुमार को निशाने पर ले लिया गया है और अक्षय कुमार को इसी चीज की वजह से ट्रोल किया जा रहा है। तो वहीं आमिर खान को लेकर भी लोगों ने अपना रवैया बदल लिया है, वो आमिर खान की फिल्मों को बॉयकॉट करना चाहते हैं। आमिर खान की फिल्म को बॉयकॉट करने का एक और रीजन बताया जा रहा है और वो है आमिर खान के साथ फिल्म में काम करने वाली उनकी को एक्ट्रेस यानी कि करीना कपूर खान, जिन्होंने बीते दिनों नेपोटिज्म पर अपना बयान दिया था और कहा था कि हमें स्टार आप लोगों ने ही बनाया है, हम स्टार आपकी वजह से बने हैं, ये आपकी मर्जी है कि आपको फिल्म देखनी है या नहीं, हम आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, आपका मन हो तो फिल्म देखिए, नहीं हो तो नहीं देखिए, क्योंकि स्टार तो हम आपकी ही वजह से बने हैं और ये कभी नहीं खत्म होने वाली लड़ाई है जो हमेशा चलती ही रहेगी, इसलिए ये आपका फैसला है आपको क्या करना है। करीना कपूर के इस बयान के बाद से ही लोग काफी ज्यादा उनसे नाराज नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि इन स्टार्स को हमारी कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है तो हम इनकी फिल्में ही नहीं देखना पसंद करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर रक्षाबंधन फिल्म की राइटर को लेकर भी काफी ज्यादा बातें सामने आई थी, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि फिल्म के राइटर कनिका ढिल्लन ने भी कई ऐसे पुराने ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं जिनकी वजह से हिंदू मान्यताओं को आहत पहुंचा है। आपको बता दें कि कनिका ने कई बार हिंदू विरोधी ट्वीट किए हैं जिसकी वजह से उन्हें भी एंटी हिंदू बताया जा रहा है, उसके बाद से ही रक्षाबंधन को बॉयकॉट करने की मांग उठ गई है। दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त रक्षाबंधन और फिल्म लाल सिंह चड्ढा दोनों को ही बॉयकॉट किया जा रहा है। हालांकि अक्षय कुमार और आमिर खान दोनों ही अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। तो वहीं आमिर खान ने कहा है कि उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को बनाने में उन्हें काफी मेहनत लगी है, इसलिए पहले सभी लोग फिल्म को देखें उसके बाद ही कोई भी फैसला लें। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इन दोनों ही फिल्मों के बॉयकॉट होने पर आपका क्या कहना है और आपकी क्या राय है।